बड़े तो जितने भी हम सबको मालूम ही होगा कि हम होलिका क्यों मनाते हैं, होलिका दहन क्यों करते हैं, बट यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सभी लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों हम होलिका दहन मनाते हैं। आप सभी लोगों को जानते हैं क्यों होलिका दहन होता है, क्यों हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? अरित को पता है, बाकी सबको पता है? ठीक है, तो इसी से जुड़ी मैं कथा आपको बताता हूँ कि प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उनके पुत्र थे भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जो थे वो श्री भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हमेशा भगवान का ही स्मरण करते रहते थे, उन्हीं को नाम जप करते रहते थे। हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने पुत्र से कहता था कि ये भगवान विष्णु की स्तुति करना, पूजा पाठ करना छोड़ दे, जो पूजा करना है मेरी पूजा करना। ये जो प्रहलाद थे इनको ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा मेरी जीवन जो है श्री विष्णु के प्रति समर्पित है, मैं उन्हीं की पूजा करूंगा। ये बात ना मानने पर हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मरवाने की कोशिश की। हाथियों के नीचे को जलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकना चाहा, नदी में डुबाना चाहा, सांपों से कटवाना चाहा, परंतु हर बार श्री हरि विष्णु ने उनकी मदद कर दी। एक दिन होलिका हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो आई, उसने बोला कि भैया आप क्यों चिंतित हैं? उन्होंने बोला ये जो मेरा पुत्र है मैं इससे परेशान आ गया हूँ, मैं राक्षस कुल का और ये भगवान को पूछता है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे इस बच्चे को नहीं चाहता मैं संसार में। उसने कहा ठीक है भैया, एक काम कीजिए, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं अग्नि पर बैठ जाती हूँ इस बच्चे को गोद में लेकर के, और आप अग्नि प्रवाहित कर दीजिए, ये बच्चा जल जाएगा, मैं तो जीवित रहूंगा क्योंकि मुझे वरदान है। नियति का खेल दीजिए। भगवान विष्णु ने उस समय भी बालक की रक्षा करी और होलिका जल गई, परंतु भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वे सदैव भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो ये हमारा होलिका दहन है। और जब उस हिरण्यकश्यप को मारा तो उस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था। उस नरसिंह अवतार का जो रूप था वो धड़ मनुष्य का था, सर शेर का था।